Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy, यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हिंद माता की दो दो प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेस राशि एंड मानसी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द शो, क्या रिस्पांस कैसा रहा प्लीज बताइए। Thank you so much. The response has been really good, right? So far, सब यही बोल रहे हैं कि बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, a very unique show. 80% of the cast is all women. But apart from that, जो स्टोरी है वो भी बहुत ही अलग है, women's prison में सेट है, और ऐसी स्टोरी मैंने तो कभी नहीं देखी है कोई existing platform पे. So response has been very positive and we are very grateful for that. Got it. So I kind of second that. The response is very, very positive, very, very exciting. काफी सारे लोग हैं जिन्होंने देख लिया है और मुझे उन्होंने बताया कि यार ये कितनी अलग वेब सीरीज है, यू नो, कि इतनी ग्रंजी, इतनी एक्साइटिंग, जहाँ पे विमेन मस्ती भी कर रही है, भिड़ भी रही है एक दूसरे से. देर इज कॉमेडी, देर इज ड्रामा, देर इज ट्रेजेडी, एवरीथिंग पैक्ड इन वन शो. So I have got like amazing responses for the web series till now. No, आप लोगों के जो कैरेक्टर है, अगेन वही वाली बात हुई कि डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, और शो का जो कॉन्सेप्ट भी बहुत ही यूनिक है, नेवर सीन, इनफैक्ट आई विल से नेवर सीन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है. तो ऐसी कौन सी एक बात थी आपके कैरेक्टर के बारे में जो विच यू नो मेड यू से इंस्टेंट यस के ये मुझे करना ही करना? आई थिंक एक सबसे पहले आंसर के लिए होता है कि आप कितने डिफरेंट पार्ट्स कर सकते हैं, यू नो. दिस वाज डेफिनेटली कैरेक्टर जो मैंने पहले नहीं किया हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया और बोला, राशि मैं चाहती हूँ कि तुम ही ये पार्ट करो, यू नो. और ऐसा कॉन्फिडेंस अपने डायरेक्टर से मिलना इज जस्ट सच अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज वो ट्रस्ट जो है ही आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है, उभर के बाहर लाता है, और मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था. अगेन, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई वाज कंप्लीटली फ्लॉर्ड, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट एक लाइन में सुनो तो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो और भी न्यूएंस्ड था, यू नो. इस पे इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात हुई है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कोई प्रीची शो नहीं है, कोई आपको यू नो सीख नहीं दे रहा है. इट्स जस्ट बाय द वे इट्स टचिंग अपॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट्स फन, इट्स वॉर्म, इट्स स्वीट. और टिपिकल नहीं है कि विमेन विमेन साथ में आएंगी तो यू नो लड़कों के बारे में बात करेंगी, या ऐसा कुछ टिपिकल टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा. एंड एज अ कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत ही डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, बहुत ही यू नो, मैंने अपनी शुरुआत कॉमेडी से की थी स्टेज पे, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आई गॉट टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट एंड यूज अ लॉट ऑफ फिजिकल कॉमेडी इस कैरेक्टर के लिए. वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. मेरे लिए दिस कैरेक्टर वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू गो डाउन एज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड. एंड मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स वैसे प्ले किए हैं, बट लाइक जैसे हर कैरेक्टर का एक होता है, आई हैव डन समथिंग व्हिच हैज अ ग्रे शेड, I have done something which are very strong characters. Normally, I've been lucky, मुझे काफी strong characters मिले हैं, including this character. मेरे character का नाम है सुधा नाथ, and काफी strong है. But what I loved about Sudha's character is that she is right. You know, there is no grey shade about it. वो एकदम ही right है. She knows what is right. She's educated. उसे पता है सही चीज क्या है. कभी किस बात के लिए झगड़ना है. Where she has to stand up for certain things. But she is not a stone-hearted person. In fact, she's very strong, but it comes from caring about the cause, caring about the women, caring about, you know, सबका भला करना चाहती है, इसलिए वो strong है. So it was a very nuanced character जहाँ पे इतने सारे layers सुंदर सुंदर लिखे गए थे. So it's something I honestly, it's one of my favorite characters till date that I have played. That's a big thing. But was it physically tasking for you guys, you know, shooting on the real locations of that jail and waisa wala pura sab cheez, if you can share some anecdotes or something? Absolutely. I mean, we shot the whole show in 10 days, believe it or not, you know, which is a task in itself. Prison ke scenes, of course, you know, were difficult. Mere liye personally, jo sabse taxing day tha, wo tha a boutique sequence, because I'm a fashion designer show mein. Aur
बुटीक है मेरा, और उस दिन हमने कुछ 20 पेजेस शूट किए विद 15 कॉस्ट्यूम चेंजेस एंड 17 सीन्स. वो कैसे किया है वो सिर्फ जो लोग उधर थे उनको रियली आई नो. या थैंक यू. लिटरली इट वाज कि मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके भाग रही हूँ, हेयर दीदी इज हेल्पिंग मी. उस टाइम पे सृष्टि जो डायरेक्टर है वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, मैं बाहर आ रही हूँ, मैं अपनी लाइंस कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली कैमरा चेस, मतलब somebody was physically on me the whole time, you know, or it was just back 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 back, and it was like that on other days also because dusty din the aur sab kuch khatam karna tha, but ye din to tha, main literally mera last shot tha ki main thodi teary eyed hu, kyun aapko show dekhna padega, lekin sab cut hua, main 20 minute ke liye ro rahi thi. I was so overwhelmed and relieved ki humne kar liya, aur bina team effort ke na wo ho nahi sakta tha. Literally, directors to ADs to spot to hair to makeup, everybody was on point that day. Sabko pata tha ki agar hum ye nahi karenge to hamare paas show nahi hoga. And everybody pitched in. Aur ye show bahut pyar se bani. I think har jo insaan is show pe aaya na, wo bahut pyar se aaya. Wo for the love of the script, for their love of the character and the director as well. Because Srishti ke saath main pehle kaam kar chuki hu. तो ये शो पूरा प्यार के लिए बना है. यस, काफी फिजिकली टायरिंग हो जाता था कुछ दिनों पे, क्योंकि ऑल्सो द शो वाज समथिंग लाइक दैट, काफी ग्रंजी था. अगर आप ने शो देखा होगा, काफी सारे सीन्स हैं जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स एक ही सीन में है. एंड बाई द एंड ऑफ इट, जैसे हम प्रिजनर्स थे और हम एक साथ जो रहते थे, हमारी इतनी बॉन्डिंग हो गई थी कि यू नो दिव्या, पूरे शो में आई डोंट थिंक इवन दैट्स व्हाट इवन राशि ने, हमने किसी ने ग्लिसरीन नहीं यूज किया है रोने के लिए. तो यही था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और एक्ट्रेसेस इतनी अच्छी थी कि एक रोता था और हम सारे रो पड़ते थे. तो एग्जैक्टली, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एग्जॉस्टिंग, क्योंकि आप दिन में या यू नो काफी सारा सारे इमोशंस जो आप जानते हैं एक दिन में आप जी चुके हो, यू नो यू हैव क्राइड, यू हैव लाफ्ड, यू बीन एंग्री, मार दिया, सब कर दिया. सो एंड ऑफ इट इमोशनली इट वाज वेरी ड्रेनिंग, बट स्टिल व्हेन यू वेंट टू स्लीप यू आर लाइक यस आज काम किया, आज मजा आया. So it was a complete mixed bag, exhausting but really really satisfying, if I can say that. So both of you have been part of good films and good work, but do you feel that thanks to the OTT platform, you know, okay, actors like you guys get something to do, and every time it's something challenging, something different, and yet again you don't know that what's going to be next. Absolutely, I think OTTs have been a game changer for the industry in general, the kind of stories that we tell, the kind of risks that we take in terms of how we shoot a show, even this show shot very, very differently. The music of the show is very, very different from anything you would have heard. You know, the way it's shot is very different. Stories are different, characters are different. I think it's really been revolutionary and it's having a very beneficial effect on the industry as a whole. Agar aap dekho, sab now I think everyone's understood, because at an OTT you're not just competing with Indian content, right? You're competing with content from around the world. So aapko us standard ka hona padega, kyunki agar aap nahi ho to koi dekhega hi nahi, kyunki unke paas 10 aur other options hain. So I think it's been really game changing, not just for actors, I think for directors, for writers, because now we've moved away from formulas. Jo industry mein trend ban gaya tha for a bit. Ab everyone is trying to take risks, and I think aage chalke better hi hoga. And if you noticed also, merit ab stand out kar raha hai. Yeah. Ubhar ke aa rahe hain log dekhne aur unko apna due credit mil raha hai, which is I think it makes it the best time to be an actor in this industry, and especially for women, because ab roles stereotypical nahi hai. So iske liye story aap dekh lo, alag alag type ke characters likhe ja rahe hain, aur girls have so much more to do now, which is I think it's the best time to be a girl and be in the industry as an actor. I definitely think so. I feel what the OTT platform has done is shaken the star system. Now content is the king. You don't have to always be, you know, the star jinki bahut sari PR ho chuki hai aur you know certain following ho chuka hai.
most of the time it's the content, it's the kind of characters that you know the OTT platforms bring up, and the kind of actors that fit into that. Also, one more thing, I personally feel ki jaise film hoti hai 1.5 ghante ki hoti hai, and jaise again, like, unless you are the star and you are like the lead actor, the other parts are just kind of written. Yani ki haan wo sirf ye ek dialogue likh legi, but ab kya ho raha ki fillers hai, correct. And now because it's an OTT platform, aur jo aap जैसे हमारा, you know, there are shows which, you know, 30 minutes per episode, और आप इतना content बना रहे हो, तो detailing में जा रहे हैं लोग, हर character को, mostly it's ensemble cast, और हर character के nuance जो आप लिख सकते हैं, detailing हो सकती है, graph हो सकता है. So as an actor, it's a very exciting time, like Rashi said, you know, there is so much you can do. जो 1.5 घंटे की आप 5 films कर चुकी हो यार, when you're doing a web series usually, which is a slightly bigger one, तो there's so much that you can actually, you know, experiment with and live, and it's like an actor's dream right now, I think, the era. Yeah, it's very, very exciting time. And that too, without being, as he said, stereotypical or typecast or something. Can he pata nahi ye actor next series mein kya kar raha hai? Exactly. Look, exactly. The look is also, my hair is straight right now. My natural hair is as curly as Manti. But I get to play along with it. And these are not inhibiting factors. कि आपके बाल ऐसे ऐसे ही पार्ट कर सकते हो. You know, you get to play around so much more. मतलब I can be a bike riding badass. I can be a fashionista. I can be a simple सलवार कमीज wearing Indian girl. मैं सब कुछ कर सकती हूँ. क्योंकि मेरा काम है वो, as an actor. और मेरे को opportunity दी. Correct. And people are experimenting more. जैसे फिल्मों में like Ashish said कि formula नहीं है अभी. अभी आपको एक यू नो स्वीट फिल्म भी, स्वीट वेब सीरीज भी दिखेगी, ग्रंजी वेब सीरीज भी दिखेगी, हमारी जैसे है अ लॉट मोर वुमेन सेंट्रिक वेब सीरीज भी दिखेगी. तो इट्स समथिंग वेयर यू नो पीपल आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑफ कोर्स. बट साथ ही फिल्मों के लिए राशि, यू नो आपके फैंस का मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही हमारे पास आया, वो है कि ब्रह्मास्त्र के बारे में बताइए, फाइनली क्या ये पिक्चर रिलीज इस साल होगी? रणबीर को कोविड हो गया है तो उसके क्या रिपोर्ट है, प्लीज बताइए. दिस आई हैव टू आस्क बिकॉज़ ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आए. अब आई थिंक एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन कोविड का क्या सीन रहता है इस साल, बिकॉज़ यू नो लास्ट ईयर बिल्कुल शूट नहीं हो पाई थी बिकॉज़ ऑफ कोविड. मतलब दे स्टार्टेड एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट किया था, लेकिन जो प्लान था, जो स्केड्यूल थे, वो सब पुश हो गए थे इस साल. तो वो तो अब गॉड्स विल है, कुछ कर नहीं सकते हैं. एंड वी आर बैक अगेन, अभी सेकेंड वेव आ रही है, तो इसको मैं इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट से, यू नो, कौन कब बीमार हो जाए ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई यू नो वी आर वेटिंग टू अनाउंस अ डेट, क्योंकि देखना पड़ेगा थिएटर्स ओपन होंगे नहीं होंगे, ये सब is all a question mark right now. So, पर जैसे ही पता चलेगा, हम सब वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म कब आएगी. 3 साल से बन रही है ये फिल्म. 3 साल से तो like I've been on the project. So yeah. My gosh. Okay. इसके अलावा क्या हो रहा है आप दोनों के साथ? Which what next projects, forthcoming work? I have another film that's coming up, which I can't really talk about right now, but I'll tell you, this is a very different film from anything I've done. Again, but the other character hai, the way it's shot, the music, the look, very different. I'm super excited about it. Jaise hi mujhe go ahead milega, I will shout it to the world. But that will come out this year. That will come out for sure this year. Brahmastra, I hope, is going to come out this year. Mansi? I am shooting for a web series for Hotstar. Although I can't get into the details of this series, I think wo ek do mahine mein aa hi jayegi, so you will kind of figure. And I've done a Gujarati film as well, it's called Bikirano Vargoro. I'm Gujarati, yeah, so same here. That is also, oh, hey, it's so nice. Kencho, bas maja ho. Sorry, do gujju mil gaya to ho gaya. पापा फ्री में काम ना करे. सो यस आई थिंक के लेबर फ्री में काम ना करे सो दैट्स राशि, दैट्स मायरास डायलॉग फ्रॉम हिंद माता. सो या सो देयर्स अ गुजराती फिल्म कॉल्ड बिकीडानो वरगोड़ो, दैट्स अ multi-starrer film. It was supposed to be one of the biggest. Abhi tak to release nahi hui hai because of COVID. Right. Let's see. COVID, I think thoda thanda hoga to shayad they will release it.
और चलते चलते सिनेमाज हॉल्स आर ब्लीडिंग, तो विच आप लोग के हिसाब से कौन सी फिल्म आपको लग रहा है कि वो ऑडियंस को वापस लेके आएगी? सूर्यवंशी, RRR, राधे या KGF 2? देखो ब्रह्मास्त्र को तो बहुत टाइम है, तो I am not keeping that in that thing, but ये चारों में से which you guys feel के जिससे वापस ऑडियंस आएगी देखने? सूर्यवंश में बहुत सारे एक्टर्स हैं, that might be a selling point. But I hope all the films do well. यार जो थिएटर्स जो ब्लीड हो रहे हैं, it's very unfortunate. थिएटर कल्चर सफर कर रहा है और फिल्म्स भी सफर कर रही है, इंडस्ट्री वी आर सफरिंग, बट होपफुली ऑल द फिल्म्स डू वेल. आई विश वेल, आई नो इट्स अ पॉलिटिकली करेक्ट आंसर, बट आई जेन्युइनली विश दैट ऑल द फिल्म्स डू वेल, ताकि हम वापस थिएटर्स में फिल्म रिलीज कर पाए. करेक्ट, एंड आई थिंक जब तक थिएटर्स ब्लीड कर रहे हैं, आई मीन मे बी KGF, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर इट काइंड ऑफ गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी, बट जब तक थिएटर्स ब्लीड कर रहे हैं, यानी लोग घर पे कंटेंट तो देखा जा रहा है और घर पे देखा जा रहा है, तो अगर आप घर पे हो और आप इरोस नाउ पे नहीं हो, तो इरोस नाउ पे जाओ और हमारी वेब सीरीज हिंद माता भी देखो. स्पोकन लाइक अ ट्रू गुज्जू. के लिए और भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपके फॉरथकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.